नमस्कार, आप देख रहे हैं C20 न्यूज। मैं नीलोफर खान आपके साथ। आइए देखते हैं आज जानी मानी गायिका लता मंगेशकर का निधन हो गया है। वह 92 साल की थी और बीते कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। लता मंगेशकर को हम सभी स्वर कोकला के नाम से भी जानते हैं। उनकी मीठी आवाज में बसी हुई थी, जिन्होंने न जाने कितने ही कलाकारों को संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उनके चाहने वाले उन्हें लता दीदी के नाम से पुकारते थे। लता मंगेशकर का जन्म इंदौर शहर के 28 सितंबर 1929 को हुआ था। लता मंगेशकर फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। उनकी पहचान भारतीय सिनेमा में एक प्लेबैक सिंगर के तौर पर रही। जब लता मंगेशकर 13 साल की थी, तब उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद लता मंगेशकर हिंदी मराठी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी चाहत गायक बनने की थी। साल 1947 में बसंत जोगलेकर अपनी फिल्म आपकी सेवा में गाने का मौका दिया। इस फिल्म के गानों से लता की खूब चर्चा हुई। इसके बाद मजबूर फिल्म के गाने गाए। आज रविवार को उनके निधन हो जाने से देश ही नहीं विदेशों में भी शोक की लहर है। हम उनको नमन करते हैं और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो देखते रहिए C20।